लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इनमें कई सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। चौंकाने वाले नाम राजधानी दिल्ली से हैं, जहां बीजेपी ने अपने 4 मौजूदा सांसदों को टिकट न देकर नए चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश सिंह वर्मा और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेता भी अपना टिकट नहीं बचा पाए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की असली वजह उनका बड़बोलापन और विवादित टिप्पणियां रही हैं, जिनका खामियाजा बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता था। अटकलें तो ये भी लगाई जा रही हैं कि जमीनी स्तर पर और अपने इलाकों में सक्रियता की कमी के चलते भी आलाकमान ने नए चेहरों को तरजीह देने का मूड बनाया। साथ ही इन सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की भी बात हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद बीजेपी को अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने यानी 100% की स्ट्राइक रेट बनाए रखने का भी चैलेंज है। बीजेपी ने इस बार 370 प्लस का टारगेट रखा है। ऐसे में पार्टी भूल से भी कोई गलती नहीं करना चाहती है। साथ ही बीजेपी इस बार सत्ता विरोधी लहर से भी बचना चाहती है। बीजेपी ज्यादातर सीटों पर साफ सुथरी छवि और नए नामों के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। ऐसी संभावना भी जताई जा रही है कि बीजेपी आलाकमान ने काफी दूर का सोचकर अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है। माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी अभी से साफ नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी इकाई लगातार केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, मगर लोकल लीडरशिप में बड़े चेहरों की कमी उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही। ऐसे में अटकलें हैं कि बीजेपी की रणनीति अब दिल्ली में बड़े कद के नेताओं को शामिल करने की है, लिहाजा टिकट ना मिलने वाले सांसदों को नई भूमिकाएं मिल सकती हैं। वहीं दिल्ली से दूर मध्य प्रदेश की बात करें तो मौजूदा भोपाल की सांसद और फायर ब्रांड नेता प्रज्ञा ठाकुर का भी बीजेपी ने टिकट काट दिया है। बीजेपी ने इस बार भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को टिकट दिया है। वहीं टिकट कटने के बाद प्रज्ञा ठाकुर की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसे शब्द बोले हों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद ना आए हों। मैंने पिछली बार भी टिकट नहीं मांगा और मैं अभी भी नहीं मांगूंगी। मेरी जहां आवश्यकता जिस रूप में होती है होगी ईश्वर वो तय करेगा और मैं उसी रूप में काम करना पसंद करती हूँ। मैं इस प्रकार की याचना कभी नहीं करूंगी। अब तक की लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने गुजरात और राजस्थान से 5-5 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पार्टी ने 4 नए चेहरों को उतारा है। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 नए चेहरे उतारे हैं। मालूम हो कि बीजेपी का बड़े नेताओं और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारने का फॉर्मूला हालिया विधानसभा चुनाव में सफल रहा था। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो किसी नेता को कभी केंद्र से राज्यों की राजनीति में भेज देती है तो कभी राज्य से नेताओं को दिल्ली में लाकर एक्टिव कर देती है।